أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، وداعیاً الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے. اور سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دے واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد، محترم حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال پنجواں جمعہ جو انشاءاللہ اس سال دا پنجواں جمعہ آپ دے گوش گزار کرنا چاہنا، جو میں نے مقام تلاوت کیتا ہے اس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے رسول دیاں چھ صفتاں بیان فرمائیاں نے. ایک دن اتھے تشریف فرما سن کہ جبریل امین آئے، اور جبریل امین آ کے اپنا تعارف کرایا، فرمایا کہ میں جبریل ہاں، توانوں مبارک ہوئے، میں ملائکہ دا سردار ہاں، تو مبارک ہوئے، اللہ نے تو نبوت دا، رسالت دا تمغا اور پگڑی عطا فرما دی. اور فرمان لگے کہ اقرا،
पढ़ो। आपने फरमाया माना बेकार मैं ते नहीं पढ़िया, तो जिब्रील अमीन ने आप सलम सीने न लगाया और दबाया। जो इधर नबिया का सरदार है, उधर फरिश्तिया का सरदार है, जिसने घुट के सीने न लगाया ते हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मैनू उन्हें कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब का नाम लैके जिसने पैदा किया। तो जिब्रील ने जिसने कहा तो फरमाया कि मैं पढ़ना शुरू कर दिता। छे आयतां नाजिल हुई सूरा इकरा दियां। हज़ूर अलैहिस्सलाम जिसले इतनी बड़ी जिसामत का फरिश्ता ऐसा मंदिर जो देखा, कुरान का नजूल होया, पहली वही आई, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान इस गल तो होए कि आप दी सारे उस माहौल नू, सारी उस फरिश्ते दा आना, वही करना, इलम दी बात करना, सब कुछ यार बोला आलमीन तेरा पैगाम मैं महफूज किस तरह रखांगा। अल्लाह ने फरमाया ला तो हर एक भी लिसानिक, तुसी दूजी बारी भी नहीं पढ़ना। जिब्रील दे पिछे एक बारी पढ़ना असी तुहाडे दिल ते नक्श कर देंगे, ये गल तो परेशान नहीं होना। हजूर सीधे घर गए, अम्मा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, कायनात दियां औरतां दी सालार सैयदा खदीजा। हजूर गए घर जाके लेट गए, फरमाते ने जम्मे लूनी जम्मे लूनी, मेरे ते कंबल दे दियो, मेरे ते कंबल दे दियो, मैनू डर है कितने मैनू मौत ना आ जाए। जिसले अम्मा जान ने पूछा की होया सारी गल दसी, तो अम्मा जान ने फरमाया तुहानू कुछ नहीं होएगा, तुसी गरीबां दी मदद करने वाले हो, बेवावां दी मदद करने वाले हो, तुसी परेशान हालां दी परेशानियां दूर करने वाले हो, तुसी लोगां नाल मुहब्बत करने वाले हो, गरीबां दा साथ देने वाले हो, हक दी बात कहन वाले हो, सच बोलन वाले हो, और लोगां दी ज़ईफ कमजोर नातवान लोगों की सहारा बनने वाले हो, तो अनु अल्लाह हरगज़ जाया नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार हो गया। अम्मा जान ने कहा सारिया गल्लां कर भी लिया, लेकिन एक चीज की परेशानी हुई कि मेरा चाचे का बेटा वरका बिन नौफल, जो कि ईसाई मजहब का ताल्लक रखता सी, इंजील का कारी सी, इंजील का माहिर सी, क्योंकि उत्थे मक्के विच रह के बुत परस्ती तो बेजार हो के उस वक्त करीब हजरत ईसा अलैहि सलाम का दीन सी, उन्हां दे उधर मायल हो के इंजील नूं पढ़ना शुरू कर दिते। बड़े माहिर सन और उम्र रशीदा सन, उन्हां को लैके चली गई सारी गल सुनाई, तो उन्हां दी वेखो अल्लाह उन्हां फरजंदान ते करोड़ों रहमतां भेजे जिन्हां ने अख तो नबी दी ज़ियारत कीती है, अख तो। लेकिन ये वरका जिहदी उम्र रशीदी दे नाल इहदियां अखां दा नूर भी खत्म हो गया, अखां कोई नहीं। जिसले हजूर गए थे अम्मा जान ने अपने वीर नाल सलाम ली, ते क्या वीरा मेरे घर वाले नू ऐ मसला होया है, ते सुनने सारी कह लगे ये ओही नामूस है
जेड़ी मूसा और ईसा नू रब ने अता की, सारे नबियों नू अता की है। ये नबूवत मिल गई है तो अनु ते नाल की गया, काश के मैं जवान हुंदा, बूढ़ा सी ना, काश के मैं जवान हुंदा, मैं उस वाले मुहम्मद दे नाल खड़ा हुंदा जिदों मक्के वाले नू अपने शहर चो कढ़ दे, मैं मुहम्मद दे ऊंट दी महार फड़ी हुंदी, मैं सोने दे नाल जांदा। अल्लाह अकबर। जिसले वरका ने गल की ना, ते वरका थोड़े दिन बाद फौत हो गए। दूसरी वही हजूर अलैहि सलाम ते एक साल बाद आई। हजूर इस वही दे रुक जान नल परेशान हो गए। लोग कहन लगे जी एक वही आई है, अरे की गल अपने को गल बना ली, एक साल बाद वही आई, वरका चंद दिन के बाद फौत हो गए। हजूर इस्लाम ने ख्वाब च देखिया, किसी ने कहा जी मैं ख्वाब च वेखिया वरका नू, और आपने ताबीर रोइया के अंदर उलमाए हक ने ख्वाबा की ताबीर के अंदर लिखा है, जेड़ा फौत होने वाला सफेद कपड़िया के विच मिले, अच्छी हालत च मिले, समझ लो कि रब ने माफ करके जन्नत का दाखला देता है। वरका दी सूरत विच हजूर नू ख्वाब च वरका मिले, फरमाया वरका की हाल है, क्या अल्लाह दे हबीब मैं बिल्कुल ठीक हाँ। आपने फरमाया वो बिल्कुल ठीक नहीं, उन्हें जिहड़ी मेरी गवाही दिती है रब ने पार लगा दिता है, रब ने पार लगा दिता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गो, ये मेरे रब दियां रहमत मेहरबानियां ने कि अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज दिता है कि कुरान मिले है, कुरान की सूरत के अंदर ऐसी किताब मिली है। अल्लाह के महबूब फरमा देने ना, तरक तो फीकुम अमरैन लन तज़िलु मा तमसक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दर्शा दे पाके फरमाया मैं तुहाडे च दो चीजा छड़ के जा रहा हूं, इन्हां दोनों चीजा नू पकड़ी रखो, हरगज हरगज तुसी गुमराह नहीं होवोगे, रस्ते तो नहीं भटकोगे। ये केड़ियां चीजा ने? फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही, एक अल्लाह दी किताब है, एक मेरी सुन्नत है। इन्हां दोनों चीजा दे नाल वबस्ता रहना जे, इन्हां दे उत्ते कारबंद रहना जे, इन्हां दी मुहब्बत दिलों नहीं कटनी। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया हो, ए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसले वही लेके आए ने, और हालत की है जदों आप नू चेहरे मुबारक ते पसीना आंदा, इस तरह पर कतरे जड़े ने पसीने दे गिरदे, इन्ने साफ ते शफाफ कतरे अल्लाह दे पैगंबर दे चेहरे तो डिगदे, इंज लगदा जिंज गुलाब दे फुल उते ए तरेल पई हुंदी है। एडा सोहना चेहरा अल्लाह दे पैगंबर दा चेहरा सुरख हो जांदा, आप वही वही वसूल कर दे ते बयान कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। एक किताब कुरान करीम मैं ये दे नाजल करने वाला, अल्लाह फरमा रहे ने मैं ये दे नाजल करने वाला वा, मैं ये दी हिफाजत करने वाला वा, अल्लाह ने नू महफूज कीता है, पहले लोहे महफूज ते महफूज कीता है, अल्लाह पाक ने ऐसी जगह ते रखिया है। अदरा गौर करना, रब ने ऐसी किताब मेरे सोने नू दिती है, और निस्बत जेड़ी भी है ना अल्लाह ने अपने पैगंबर नू आला दिती है। आ देख रहा जरा, और जिस शहर विच पैदा होए ने अल्लाह ने उस शहर नू और शहरां तो आला बना दिता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर नू
नबूवत मिली है और सारे नबियों तो आला नबी बना देता है। अगर किताब मिली है और 315 ते कुरान दे इलावा सारिया किताबा तो अल्लाह ने आला किताब कुरान अता फरमा दी थी है। अगर पानी दी निस्बत आबे जमजम दा पानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता कर देता है। अगर रात मिली है ते लैलतुल कदर अता कर दीती है। अगर महीना इबादत वास्ते अल्लाह नु राजी करन वास्ते गुनाह दी और बख्शिश मंगण वास्ते अल्लाह ने रमजान दा महीना अता कर देता है। अगर हफ्ते बाद इंसान ते और गुनाह दी धूल पै जाए अल्लाह ने जुमे दा दिन अता कर देता है। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे प्यारे पैगंबर असा तानू कायनात दा नबी बना दिता है। हर निस्बत आला हर शान वाला मकाम आला और हाली ने क्या खूब किया है उतर कर हीरा से असुए कौम आया उतर कर हीरा से असुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया बेड़े को मौजे बला का इधर से उधर फिर गया रुख हवा का वो बिजली का कड़का तया सो तिहादी अरब की जमी जिसने सारी हिला दी। फरमाया कायना दियो लोगो आओ आओ मैं एक पैगाम लेके आया वा ओ कुरान लेके आया वा ओ कुरान लेके आया और जिनू पढ़िए फिर भी सवाबे और जिनू वेखिए फिर भी सवाबे और जिदी ज़ियारत करिए फिर भी सवाबे मैं ओ किताब लेके आया और जिदे उतरन वाले और जिदे उतारन वाले रहमान दी शान